ये हमारी इस ऑनलाइन क्लास डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम मैथ फॉर प्रोग्रामिंग, और प्रकाश चंद्रा जी की एक प्रॉब्लम है, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश जी, आपके कहने मुताबिक, जैसे कि मेरे सामने एक फाइल है, अब इस फाइल में मेरे पास डेटा है और मुझे डेटा में, मान लीजिए आपका डेट था, लेकिन मैं मान लीजिए कि हमारे पास नेम है, नेम है, ठीक। मुझे हर नेम का डेटा अलग करना है, तो अगर मैन्युअली मैं करूं, अलग क्या करता हूं, मैं करता हूं कि फिल्टर लगाता हूं और एक नेम सेलेक्ट किया, डेटा सेलेक्ट किया, कॉपी किया, एक सीट इंसर्ट किया, यहां पे पेस्ट कर दिया। यस यस। डेटा पे फिल्टर चेंज करता हूं, दूसरा सेलेक्ट करता हूं और फिर इसको कॉपी करता हूं और फिर यहां पे इसको एक नया सीट इंसर्ट करता हूं और यहां पे इसको हम पेस्ट करते हैं। यही प्रोसीजर जितने भी नाम है सब नाम पे चलाना है, राइट? यस सर, यस। तो इसको अब नेम है तो उसका लिस्ट इनडिफाइन है, मतलब कि कितना भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दस भी हो सकते हैं और सौ भी हो सकता है। यस यस, ओके। सबसे पहले इसमें से हमें इसका लिस्ट निकालना होगा। इस माइक्रो को हम दो फेज में बनाएंगे। पहला फेज जो कि इसमें ये हमारा डेटा हो गया और एक यूनिक, दो चीज आपको पहले करने पड़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें, अभी मैं को रिकॉर्ड कर लेता हूं, सबसे पहले क्या होगा कि कॉलन ए में जो भी आपका डेटा कॉपी डेटा है जिसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगाना है उसको कॉपी करके हमें ले जाना है इस पे यूएनआई में और फिर इस पे हमें पेस्ट करना है और पेस्ट करने के साथ डेटा में जाके इसको रिमूव डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट, रिमूव डुप्लीकेट से क्या होगा, यूनिक यूनिक वैल्यू हो गया। अब मैं माइक्रो को एक बार सही कर लेता हूं। तो कॉलम ए डॉट सिलेक्ट, अब कॉलम ए से पहले हमें डेटा शीट सिलेक्ट करना पड़ेगा, शीट्स डेटा डॉट सिलेक्ट, कॉलम ए कॉपी, इस पे गया, ए वन पे गया, पेस्ट किया, कंट्रोल नोट फॉल्स किया। अब यहां पे देखिए क्या है कि ए वन से रेंज दिख रहा है ना 331, ये रेंज हटा दी क्योंकि इस डेटा कम और ज्यादा भी हो सकता है ना। तो ए बाई ए रख दिया, कॉलन वन हिडर नो, रिमूव डुप्लीकेट, राइट? यस। अब इस माइक्रो को टेस्ट कर लेते हैं। ए माइक्रो क्या करेगा, ए माइक्रो करेगा, जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या करेगा, इसकी पूरी लिस्ट को यहां रख देगा। रख दिया, राइट सर? यस सर। ओके, अब क्या करें, अब नेक्स्ट क्या चाहिए, ये हमें फिल्टर लगा के डेटा कॉपी करने, राइट? मैं एक रिकॉर्ड करता हूं दूसरा फेज, जिसका दूसरा फेज चल रहा है और हम इस पे फिल्टर लगाते हैं और हम नेम को फिल्टर करते हैं, राइट? यस सर। और डेटा को हम कंट्रोल शिफ्ट राइट एंड डाउन करते हैं। कॉपी करने से पहले हम स्पेशल सेल में जाते हैं और यहां करते हैं विजुअल सेल्स ओनली, अपने डेटा को हम कॉपी करते हैं, एक नई सीन ऐड करते हैं, इसमें उसको हम पेस्ट करते हैं और इसका नाम देते हैं इंदर, राइट? यस सर। मोड फॉल्स करते हैं और फिर यूएनआई के अंदर में चले जाते हैं दूसरे नेम के लिए। तो ए रहा, अब इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। डेटा से सिलेक्ट किया ए वन ऑटो फिल्टर, ए इसको मैं हटा देता हूं, फिल्टर में हमारा ए वन से है, इस ए वन से 302 से ए वन कर देता हूं, ऑटो फिल्टर होगा, ठीक है? कॉपी, सीट ऐड हुआ, सीट पेस्ट हुआ।
अब सीट फाइव डॉट सिलेक्ट है, इसको हटा देता हूं क्योंकि सीट फाइव हमेशा होगा, इसकी गारंटी नहीं है। और जहां सीट फाइव है वहां पे मैं एक्टिव सीट कर देता हूँ, रेंज वन डॉट सिलेक्ट पर, और फिर इस पे हम चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम के लिए कर रहा है, राइट। अब yes, sir. लूप में रखते हैं, यहाँ पे होगा कि फोर आई इक्वल टू चले टू, क्यों चल रहे, क्योंकि पहला हमारा नेम है, हेडिंग है, इसलिए टू से चले दस। अब जरूरी नहीं कि दस हो, तो टू टू हम यहां देते हैं रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलेस अप डॉट रो, और फिर यहां पे रो हो गया। यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं जो कि नेम ऐड करेगा कि डिम एन एम एज ए स्ट्रिंग, और फिर यहाँ पे करते हैं एन एम इक्वल टू सीट नेम दे दीजिए, सीट सीट्स में आपका जो जिसमें है यू एन आई, और रेंज कॉलम ए डॉट आई डॉट वैट, और जहां जहां हमें इंदर था वहां वहां हमें एनएम कर देना। ठीक है, ठीक है, और फिर यहां पे नेक्स्ट आइकन, तो अब मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। तो एक बार इंदा का डिलीट कर देता हूं क्योंकि तो दोनों बनेगा ना इसलिए, और फिर हम जो माइक्रो रन करेंगे इस पे करेंगे, माइक्रो टू को रन करेंगे। बन गया सर? यस सर। अब बोलेंगे सर हमें दो बार रन करना पड़ेगा मैक्रो, जरूरी नहीं है दो, तो इस मैक्रो को रन करने से पहले ए जो यू एन आई दो डॉट सिलेक्ट है ना, इसको कॉपी और इस पे पेस्ट कर दो। ठीक है, और एक तीसरा दो मैक्रो बना लिया तो खाए तो मैं इसकी जो कोड है वो कोड में कॉपी करके इसी के ऊपर में पेस्ट कर दूं सबसे स्टार्ट, या फिर मैं एक तीसरा मैक्रो बनाऊंगा कॉपी के नाम से, जिस नाम से, उसमें मैं पहले मैक्रो और दूसरे मैक्रो दोनों को कॉल करूंगा। और कॉल करने का सिंपल तरीका है कि आप उसका नाम लिखते हैं। अब मैं जो रन करूंगा, अब मैं यूएनआई जो है इसकी हटा देता हूं और मैं माइक्रो में जाता हूं और हमारी कॉपी माइक्रो को रन कर देता हूं। एक मिनट, एक ऑटो फिल्टर नहीं है क्या? चला नहीं सही से? वो डेटा फिल्टर था, देखिए यहां पता चल गया ना कि डेटा फिल्टर था, इसलिए ठीक है। ठीक है सर, प्रॉब्लम यह है कि डेटा फिल्टर होगा तो दिक्कत होगा। फिल्टर को आप हटा ले, तो फिल्टर का हटाने का कोड सिंपल सा सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर होता है, कहां पे इसको स्टार्टिंग में हम रख देते हैं। लेकिन एक दिक्कत और हो सकता है क्या, कि अगर मेरा डेटा यहां पे भी चेक करना है, जैसे
मैं इसको रन, पहले वाले मैक्रो वन को रन करता हूं, आ गया? यस। अगर मान लीजिए मैं इसमें मैंने फिल्टर लगा रखा है, मान लीजिए सिर्फ सुंदर का लगा रखा है, तब क्या होगा? ठीक है, हो रहा है ना सर? तो ठीक हो। अब इसमें क्या समझ में नहीं आया प्रकाश जी, बताइए। अभी तो समझ में आ गया, टाइम नहीं आ रहा ना समझ में। जो आपने सेकेंड वाला माइक्रो बनाया उसका, तो ये पहला माइक्रो है जो कि आपको लिस्ट निकालेगा कि आपने उसमें कितने नाम या डेट कितने हैं, ठीक है ना? हाँ हाँ। कितना बार चलेगा लूप, कितना बार चलेगा? आप एक यूनिक लिस्ट होना चाहिए ना इसमें। हाँ हाँ, यूनिक लिस्ट बना दी, ठीक है? ठीक। अच्छा अच्छा, चलिए और दूसरा माइक्रो जो आपका है वो कॉपी करता है इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, एक एक फिल्टर को लेता है, कॉपी करता है। ठीक। और ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप इसको आप अपने डेटा पे ट्राई कीजिए, फिर अगली क्लास में इसको हम दूसरे तरीके से समझाएंगे जिसमें आपको ये दो माइक्रो नहीं एक ही माइक्रो पे काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर? ठीक है सर, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।